क्या फिर से एक होगा अपना दल? भाजपा नेतृत्व ने भी दी अपनी सहमति। सबसे बड़ी बाधा है बहन पल्लवी पटेल। यूपी में के फैक्टर की अनदेखी नहीं कर सकती भाजपा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा फेर बदल देखने को मिल सकता है। टूटी हुई पार्टी को एक करने के लिए अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल को कई प्रस्ताव भेजे हैं। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल अगर प्रस्ताव मान लेती हैं तो ये यूपी के आगामी चुनाव से पहले बड़ी खबर हो सकती है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने कृष्णा पटेल को राज्य सरकार में मंत्री पद दिलवाने, पति आशीष पटेल को विधान परिषद भेजने, आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देकर जिताने और उनके समर्थकों को भी कुछ सीटें देने की पेशकश की है। क्या फिर से एक होगा अपना दल? जानकारों के मुताबिक अगर कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो अपना दल फिर से एक हो जाएगा। यूपी के आगामी चुनाव से पहले ऐसा होना बड़ी खबर हो सकती है। अनुप्रिया पटेल ने अपनी बहन पल्लवी पटेल और उनके पति को राजनीति से दूर रखने की शर्त पर मां कृष्णा पटेल के सामने मंत्री पद के साथ पार्टी का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखा है। इतना ही नहीं, अनुप्रिया ने मां के सामने अपने पति आशीष पटेल का इस्तीफा कराकर उनकी जगह मां को विधानसभा परिषद का पद देने की भी बात कही है। अब देखना है कि कृष्णा पटेल का इस पर क्या रिएक्शन आता है। भाजपा नेतृत्व ने भी दी अपनी सहमति। जानकारी के मुताबिक अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की भाजपा नेतृत्व के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर सहमति भाजपा नेतृत्व द्वारा दी गई थी। इस मीटिंग में कृष्णा पटेल को मंत्री बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। बीजेपी मान रही है कि यूपी के बेहद प्रभावी कुर्मी बिरादरी पर पकड़ मजबूत हो सकती है। वहीं अपना दल एस का मानना है कि इससे आने वाले चुनाव बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बाधा है बहन पल्लवी पटेल। विलय में मुख्य पेच अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल और उनके पति आशीष निरंजन है। अनुप्रिया के करीबियों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अपना दल में विवाद के लिए इन्हीं दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। साल 2015 में जब अपना दल दो हिस्सों में बटा तब पल्लवी ने अनुप्रिया के खिलाफ न सिर्फ गबन से संबंधित मामला दर्ज कराया बल्कि विवाद के बाद सारी पैतृक संपत्ति का वसीयत अपने नाम करा लिया। यूपी में के फैक्टर की अनदेखी नहीं कर सकती भाजपा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी जाति को कोई भी पार्टी अनदेखा नहीं कर सकती, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि कुर्मी वोट बैंक किस ओर रुख करेगा। उत्तर प्रदेश की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर जीत की भूमिका तय करने वाली कुर्मी जाति की आबादी संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर जिलों में सबसे ज्यादा है। इन जिलों में कुर्मी वोट बैंक 9% के लगभग हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल के फैक्टर यानी कुर्मी की अनदेखी नहीं कर सकता है। आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल की तरफ से ये प्रस्ताव उनके करीबी रिश्तेदारों और बहन ने मां कृष्णा पटेल तक पहुंचाया है। इस प्रस्ताव के बाद परिवार की एकता पर मंथन भी तेज हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 2015 से परिवार के बीच खींचतान विवाद की रेखा मिट जाएगी। ऐसा होने पर कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी का विलय अपना दल सोने लाल के साथ हो जाएगा। दोनों दलों के नेता और पदाधिकारी एक मंच पर आ जाएंगे जिसे कुर्मी वोट बैंक को एक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।